अभी के लड़के कुछ नहीं, दो 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 तीन गर्लफ्रेंड नहीं संभाल सकते अभी के लड़के, और तभी 12-14 रानियां संभाल लेते थे। डे 2 ऑफ आवर जयपुर ट्रिप, लेट्स गो। तो स्टार्ट होता है जयपुर ट्रिप का हमारा दूसरा दिन। तो सुबह जल्दी रेडी होके हम निकल पड़ते हैं मेट्रो की तरफ, लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम खाना, क्योंकि बिना खाने के हमारे इंजन आगे भागेगी कैसे। तो सुबह सुबह नाश्ते में डोसा खा के हम निकल पड़ते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। सो बेसिकली हमारे प्लान के अकॉर्डिंग आज हमें जाना था अमेर पैलेस। अब कुछ जगह पे ये अंबेर पैलेस लिखा है और कुछ जगह पे अमेर पैलेस, ये मुझे अब तक क्लियर नहीं हुआ। तो बड़ी चौपड़ यानी कि हवा महल के पास से हम बैठ जाते एक बस पे। हमारी किस्मत अच्छी थी इसलिए हमें बस पे सीट मिल जाती है, वरना ऐसे भीड़ पे आना पड़ता है। और बस से उतरते ही नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं। अमेर फोर्ट, थक गए यार, बहुत सीढ़ियाँ। नहीं, ये अमेर पैलेस फोर्ट उधर है, जहाँ जाना अलाउड नहीं। ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, इंटेस्टाइन निकल के बाहर आ जाएंगे। लंग्स तो ऑलरेडी मुंह में आ चुके हैं। हाँ हाँ हेलो, अमेर पैलेस में ऊपर तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वैसे दो अल्टरनेट ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि आप हाथी से भी आ सकते हैं या अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हैं, लेकिन हम बजट ट्रिप पे हैं और हमारे लिए सबसे सस्ता टिकाऊ साधन हमारे दो पहिया वाहन यानी कि हमारे पैर हैं। वैसे यहाँ पहुँच के जो नज़ारे देखने को मिलेंगे उसे देख के सारी थकान और पैरों के दर्द तो छूमंतर होने ही होने हैं। तो चलो अब चल के देखते हैं महल के अंदर क्या क्या है। अब मेरी तो एक बहुत ही बुरी आदत है कि टूर गाइड के लिए पैसे कौन खर्च करेगा यार। किसी भी फैमिली के किए गए टूर गाइड के पास जाके खड़े हो जाओ, सारी बातें सुन लो और वहाँ से निकल लो। तो बेसिकली यहाँ पे टूर गाइड हमें समझा रहे थे कि कैसे उस टाइम पे भी ये स्नान घर या फिर ये बाथटब वगैरह बनाए जाते थे, जो वेल वेंटिलेटेड तो था ही, बट साथ ही साथ राजस्थान जैसे गर्म जगह पे भी पानी को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इनके लिए वेंटिलेशन से क्या होता है, यहाँ पे हवा जो रहती है उससे चिल रहता है पानी। अब आज के टाइम में जो लेडीज अगर प्रोडक्ट्स यूज किया करती है वो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उस टाइम पे हजार कंपनियों को गुलाब की कंपनियों को क्रश करने के बाद एक ड्रॉ करना था। वैसे एक बकेट बना के रखते थे रॉयल फैमिली के जो भी काम वाले थे, वो उस पानी में मिक्सअप कर रहे थे, उसके बाद मिक्सअप करने के बाद रानी ऐसे आया करती थी। इसी तरह से अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाले जाते थे ताकि उनकी स्किन केयर और स्किन रूटीन के लिए फॉलो हो सके। ये क्या है, यही है शीश महल क्या? तो यूं ही आगे चलते चलते हमें दिखता है महल में एक प्लेस जहाँ पे पूरा का पूरा हर एक वॉल पे बस मिरर्स लगे हुए थे। हम जा रहे हैं बाथरूम देखने।
वॉशरूम देखने। ए ओ ओ ओ ओ आइए। तो यहाँ पे गिराया जाता था बम, ये था। अच्छा अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन तभी के लिए तो लग्जरी यही होगा ना। तो अभी हम हैं शौचालय में, नहीं राजा महाराजा के शौचालय में। अभी हम लोगों को देख के इतना अजीब सा लग रहा है, बट उस टाइम पे यही इतनी बड़ी लग्जरी होगी कि महल में, इतने बड़े महल में बनाया गया है शौचालय। ये है शौचालय। ये भाई सिस्टम क्या था, मेरे को तो सिस्टम अच्छा, इसमें पानी वानी स्टोर होता होगा। यहाँ से मस्त हवा आएगी। यहाँ है बाथरूम, आराम से बैठ के नज़ारों के साथ खुली हवा में सुकून सुकून सुकून। कोशिश की मैम, ट्राई कर रही है जय। ये पानी स्टोरेज होगा, यहाँ से कुछ खोलता होगा नल वगैरह तो वहाँ से फ्लश हो जाता होगा। नहीं ये इसलिए ना दिया होगा ताकि फ्लश हो जाए, वहाँ से पानी आता है। स्टोरेज टैंक, नाइस। उसके बाद जब हल्के हो जाइए, हल्के होने के बाद यहाँ पे सुकून से पल बिता सकते हैं। हाँ खाली भी है। बाथरूम इतना सीनी क्या सोचिए। ये है ओ, इसमें अभी कबूतर है बताओ। तो अब दूसरे टूरिस्ट गाइड की बातों को सुन के महल के अंदर ही अब हम आ जाते हैं ऐसे प्लेस पे जहाँ पे रानियाँ रहा करती थी, और ये जगह वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो हाँ इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि इन कमरों को और इन दरवाजों को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि राजा अगर एक रानी के कमरे पे आए तो दूसरी को पता ना चले। अब बताओ है ना इंटरेस्टिंग। एक कमरे से दूसरे कमरे तक राजा चले जाता था, दूसरी रानियों को पता ही नहीं चलता था। ट्रिक, असली गिल्ली गेम प्लेयर तो तभी के राजा थे। अभी के लड़के कुछ नहीं, दो 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 तीन गर्लफ्रेंड नहीं संभाल सकते अभी के लड़के, और तभी 12-14 रानियां संभाल लेते थे। इंडिया का कोई भी मॉन्यूमेंट हो या कोई भी जगह घूमने का, कोई भी टूरिस्ट प्लेस हो, दो चीज कॉन्स्टेंट मिलेगा। पहला ये के लव्स व्हाटएवर, आर के माय लव व्हाटएवर, और दूसरा अंकिता, ये और ये, दीज टू आर कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। ये है जोधा अकबर मूवी में जो यूज हुआ था खाना बनाने के लिए। केवड़ी कढ़ाई है। ओ भाई इसमें तो हम तीनों को काट के बना सकते हैं। और क्या, ये भी है, कितना बड़ा है, कैसे उठाया होगा इसको। ये है वो कढ़ाई जो जोधा अकबर मूवी में यूज की गई थी। इसमें मुझे भी लाके बना सकते हैं। जोधा अकबर, ये है दोनों कढ़ाई, बहुत बड़े कठपुतलियां।
ये भी कुछ तो मटका वगैरह है, सुन नहीं पाई, जो उल्टा रखा हुआ है इसके बेस नीचे। बड़े महल को पूरा घूमने के चक्कर में हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और उतरते वक्त हमने ले लिया था ये झालमुरी। वैसे इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बने रहे मेरी जर्नी में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।